असाइनमेंट वर्क के नाम पे हुआ स्कैम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान यासीन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बहावलपुर। आज के वीडियो बहुत ही अहम है, इसको एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से वो लोग बच सके जो असाइनमेंट वर्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कनियाल बंजराना के एक गाँव में जो जिसकी तहसील है गुजर खान, वहाँ से कुछ लड़के और लड़कियों ने असाइनमेंट वर्क के नाम से किया है बहुत बड़ा स्कैम। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बहुत से बहुत सी पोस्टें आ रही होंगी कि आप असाइनमेंट वर्क करें, घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। वो सब फ्रॉड था। कनियाल बजराना के गांव में लड़के और लड़कियों ने इस चीज़ का किया है फ्रॉड। सुनने में आया है कि 10 से 15 करोड़ का ये फ्रॉड करके भाग चुके हैं। इनका काम करने का जो तरीका वारदात था वो इस तरह से था, इन्होंने सबसे पहले अपने गांव के लोगों को ऐड करवाया, उनके अंदर ट्रस्ट बिल्टअप करवाया, उनको इन्होंने पेमेंट्स वगैरह देना शुरू कर दी, पेमेंट दी, उनको असाइनमेंट दिए। उसके बाद उन्होंने आगे लोगों को कहा, देखा देखे उन लोगों ने भी इसमें ऐड होना शुरू हो गए। इन्होंने कहा कि जो बंदा जिसको भी ऐड करवाएगा उसको हम कमीशन देंगे। कमीशन की इन्होंने जो है 10,000 वाला अगर कोई पैकेज इसने बाय किया उसको इन्होंने 1,000 रुपये कमीशन दिया, अगर 9,000 वाला पैकेज बाय किया तो उन्होंने जो है उनको जो है कमीशन दिया गया 900। इसी तरह जो है इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने पोस्टें लगाना शुरू कर दिए, घर बैठे आप लाखों रुपये कमाएं, असाइनमेंट वर्क करें। तो कुछ मजबूर लोगों ने, कुछ नहीं बहुत से मजबूर लोगों ने इस काम को जो है वो किया है, उसके उन्होंने पैकेजेस बाय किए हैं। उसके बाद हुआ ये है कि अब ये फ्रॉड करके भाग चुके हैं। तो ग्रुप के अंदर जो है ये असाइनमेंट देते थे, एक ग्रुप की जो तादाद थी जो 10,000 वाले की थी वो तकरीबन 750 थी। 750 बंदा उसमें ऐड था, उसके अंदर इन्होंने एक ही असाइनमेंट देनी थी। एक असाइनमेंट देने के बाद इनका जो था टाइम मुकर्रर था कि आपने इस टाइम तक आपने असाइनमेंट देनी है, उसके बाद अगर जो आपने असाइनमेंट भेजी तो वो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो लोग जो है वो अपने टाइम से पहले असाइनमेंट देते, कुछ लोग ऐसे होंगे जो टाइम के बाद देते होंगे, उनके असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होती होगी। इस तरह ये इन्होंने जो है फ्रॉड किया। उसके बाद इन्होंने ये किया कि लोगों की पेमेंट देना क्लियर करना शुरू कर दी, लोगों के पेमेंट भी देते थे, उनके अंदर ये ट्रस्ट बिल्टअप करते थे। तो वो स्क्रीन शॉट जो है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगे। जो नंबर्स आ रहे हैं और बैंक अकाउंट आ रहा है, इसमें से जो है सबात इफ्तार, ये इनका बैंक अकाउंट नंबर है, इसमें लोग पेमेंट भेजते थे ज्वाइन होने के लिए। उसके अलावा इजी पैसा नंबर है जुल्फकार अली, उसके बाद है शुजा शकील, इसके अलावा और भी बहुत से नंबर हैं आपको जो है शो हो रहे होंगे। उसके ऊपर ये लोग जो है ईजी पैसा करते थे, जैस कैश करते थे अपना जो है वो पैकेज बाय करने के लिए, उसके बाद इनको जो है वो ऐड कर दिया जाता था ग्रुप के अंदर। तो इसके अलावा हुआ यूँ कि कुछ टाइम पहले, भागने से कुछ टाइम पहले इन्होंने भी वोटिंग करवाई है ग्रुप के अंदर कि भाई हम जो है कोड प्रोवाइड करेंगे आपको, हम जो है ना आप जो है धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, हमें डबल असाइनमेंट भेज देते हैं और पैसे जो आप हमसे ले लेते हैं, तो अब ये होगा कि आपको कोड दिया जाएगा। कोड जो है पैकेज के हिसाब से आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आपका 9,000 का पैकेज है तो आपको जी 900 रुपये का वो कोड बाय करना पड़ेगा, वो मखसूस कोड आपके लिए होगा। तो लोग जो थे उन्होंने कोड बाय करना शुरू कर दिया। कुछ लोग थे उन्होंने कोड जो है बाय नहीं किया, वो इसलिए बाय नहीं किया उनको पेमेंट नहीं मिली थी, वो ये समझते ये फ्रॉड है। तो जिनको ये पेमेंट क्लियर करते थे उनका तो ट्रस्ट बिल्टअप हो चुका था, वो आगे और 10 बंदे 5 बंदे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐड करवा देते अपना कमीशन बनाने के चक्कर में। लेकिन हुआ यूँ कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। तो अब ये हुआ है कि इन्होंने वो कोड जो है वो देना शुरू कर दिए, लेकिन कोड देने के बाद असाइनमेंट नहीं दी। स्क्रीन के ऊपर आपको शो करवाए जाएंगे नंबर और इनके नाम जो ग्रुप में ऐड करते थे मेंबर्स और जो असाइनमेंट को एक्सेप्ट करते थे, जो असाइनमेंट भेजते थे लड़की और लड़के, उनके नाम और आपको वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा जो लोगों जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने जो है FIR की जो कॉपी है, एक कॉपी है मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर आपको शेयर करूँगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप जो है इस चीज़ से बचें, ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। ऑनलाइन आपके पास पोस्ट आती है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सा माफिया बैठा हुआ है, आप जो है अंधाधुंध इतबार करके पेमेंट भेज देते हैं। तो ये गलत है, आप इन चीज़ों से बचें। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।